नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस पार्टी नए साल के पहले दिन सड़कों पर दिखाई दी। हमारी टीम ने वरिष्ठ कांग्रेसियों से बात की, जानने समझने की कोशिश की, साल के पहले दिन वो सड़क पर क्यों नजर आ रहे हैं। उनका कहना था ये परिवर्तन वर्ष है, हम परिवर्तन यात्रा मना रहे हैं, इसलिए आज हम सड़क पर। नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा लहरी निकाल कर मनाई। कांग्रेसियों का साफ तौर से कहना, ये साल परिवर्तन वर्ष। पिछली बार जनादेश हमारी पार्टी को मिला था, लेकिन लूट खसोट करके कमलनाथ सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके अपनी सरकार बना ली थी। इस साल जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस आएगी, जिसके चलते आज हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। शहर के कांग्रेसियों ने आज पूरे रीवा शहर के प्रमुख बाजारों में एक रैली निकाली। रैली के दौरान हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की। तमाम कांग्रेसी वहां मौजूद थे, जानने समझने की कोशिश की, आखिर साल के पहले दिन सुबह सुबह वो रीवा की सड़कों पर क्यों नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना था, ये साल परिवर्तन का है, हम परिवर्तन पर्व मना रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं रीवा शहर में। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को तोड़कर खरीद कर खत्म कर दिया था, हमारे विधायकों को अपनी सरकार बना ली थी। इस बार एक बार फिर से जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ही आएगी। आइए आपको सुनाते हैं, हमने कुछ लोगों से बात की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेके पूर्व विधायक पूर्व सांसद भी मौजूद थे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस आज साल के पहले दिन परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं, आज बात इनसे किस तरीके से निकाल रहे हैं यात्रा। हम लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नए साल में 2023 को सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। नए साल में नहीं आगाज है, कमलनाथ की नई सरकार है, नए साल में नई सरकार। क्या है जिले का माहौल? जिले का माहौल तो बड़ा अच्छा है, परिवर्तन का माहौल है। संकल्प यात्रा चल रही है कांग्रेस की, संकल्प यात्रा सरकार कमलनाथ की होगी, कमलनाथ की होगी। बताइए, 2023 में कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं रोक सकती, ये जनता का संदेश है, जनता का संदेश। इस संकल्प के साथ हम 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये उत्साह कांग्रेस के है, वो सभी को मालूम है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सांसद जी, जिले का क्या है माहौल? जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो है परिवर्तन की लहर है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना तय। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री भी है, इनसे भी बात जरूरी। क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, पूरे प्रदेश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद है। आप देख रहे हैं ये पूरे रीवा शहर में कांग्रेसी लेकर के झंडा चल रहे हैं, कांग्रेसी झंडा लेकर। जल्दी बताइए, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी 24 में पीएम बनेंगे। नई साल नई सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नया साल नया संकल्प, हमको 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। नया साल नई सरकार, 2023 में कमलनाथ सरकार, 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। नई सरकार हम लोग, हमारी कमलनाथ सरकार आएगी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। इस बार हम लोग 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए निकल चुके हैं रोड में, और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए निकल चुके हैं, एक कांग्रेस की एक बड़ी रैली निकल रही है, जिस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से साल के पहले दिन कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा को लेकर आगाज किया है। माना जा सकता है ये साल पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से काफी गहमा गहमी वाला रहेगा। हमारी नजर इस पूरे साल जो भी चुनाव होने हैं या जो भी गतिविधियां होंगी राजनीतिक, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।